और अब बात करेंगे आतंक के विरुद्ध ट्रिपल युद्ध की, क्योंकि श्रीनगर में आतंकियों के साथ में गनफाइट लगातार जारी है। श्रीनगर के खनियार में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है, दो आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। अब दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग इस बीच चल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कल दो आतंकी हमले हुए थे। बांदीपोरा में आतंकी कैंप के पास में फायरिंग की गई थी और उसके बाद में जब सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो वो जान बचाकर वहां से भागने लगे। उन दहशतगर्दों को ढूंढा जा रहा है। वहीं बडगाम में आतंकियों ने दो गैर कश्मीरियों को टारगेट कर उन्हें गोली मार दी थी। वहां भी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और आतंकियों की अब खैर नहीं है। हर तरफ से अटैकिंग मोड में सेना नजर आ रही है। सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर फिलहाल चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। आतंकियों के साथ में मुठभेड़ मौजूदा वक्त में चल रही है श्रीनगर और बांदीपोरा से। ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। श्रीनगर के खानियार इलाके में मिलिटेंटों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। हम इस समय खानियार इलाके में हैं। आपको दिखाएंगे कि खानियार एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को फिलहाल यहां पर सील किया। आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। इसी रास्ते से होकर कुछ मीटर्स की दूरी पर एनकाउंटर स्पॉट है जहां पर सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की सूचना थी कि दो से तीन जो मिलिटेंट है वो छुपे बैठे हैं एक रहायशी घर के अंदर और उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन में जो छुपे बैठे मिलिटेंट है उन्होंने सुरक्षा बलों पर जो है गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के साथ साथ भारतीय सेना का एक स्पेशल ऑपरेशन जो है ज्वाइंट ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में एक से दो जो मिलिटेंट है उनकी खबर सुरक्षा एजेंसियों को थी। उसके बाद ही ये ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और यहां आप देखेंगे सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को फिलहाल सील किया गया है। पिछले 24 घंटों के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर तीन बड़े मामले होते हैं जिसमें खासतौर पर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, उन पर गोलियां चलाई गई लेकिन उनकी सेहत जो है इस वक्त ठीक है और श्रीनगर के जेबीसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बांडीपोरा में मिलिटेंटों ने आर्मी के कैंप पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई के बाद वो वहां से भाग गए, जंगलों में छुप गए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक वहां पर भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और यहां श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच जो एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मेहराज के साथ सोहेल, श्रीनगर। सोहेल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए लाइव। साहिल सोहेल, क्या कुछ अपडेट है? लगातार जो एनकाउंटर है उसको लेकर जानकारी मिल रही है और आतंकियों के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसको लेकर लगातार फिलहाल ऑपरेशन जारी है। देखिए श्रीनगर के खानियार जो कि डाउनटाउन का इलाका है यहाँ पर लगातार एनकाउंटर जारी है सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच। जो झड़प है सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुई थी। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी थी कि एक से दो मिलिटेंट यहाँ पे छुपे बैठे हैं। हम लगातार एनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद हैं और तस्वीरों भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। फिलहाल लगातार गोलियां दोनों तरफ से चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और फिलहाल उस तमाम जो रास्ते हैं एनकाउंटर स्पॉट की तरफ उनको सील कर दिया गया है। चारों ओर से घेराबंदी की गई है तो ऐसे में मिलिटेंटों का बच के निकलना काफी मुश्किल है। हमें ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक मिलिटेंट को गोली लगी है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए और लगातार वहां तब से लेकर जो है अब तक गोलियां चल रही है। तीन बड़े आतंक विरोधी अभियान इस वक्त कश्मीर घाटी में चल रहे हैं। सबसे पहला जो कि खानियार डाउनटाउन का इलाका है, काफी गुंजान बस्ती का इलाका है। यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास ये भी जिम्मेदारी है कि जो आम नागरिक है। ठीक है साहिल सोहेल, फिलहाल लगातार ऑपरेशन जारी है और अब बात करेंगे आतंक के विरुद्ध ट्रिपल युद्ध की, क्योंकि श्रीनगर में आतंकियों के साथ में गनफाइट लगातार जारी है। श्रीनगर के खनियार में आतंकियों से एनकाउंटर जारी है, दो आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। अब दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग इस बीच चल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कल दो आतंकी हमले हुए थे। बांदीपोरा में आतंकी कैंप के पास में फायरिंग की गई थी और उसके बाद में जब सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो वो जान बचाकर वहां से भागने लगे। उन दहशतगर्दों को ढूंढा जा रहा है। वहीं बडगाम में आतंकियों ने दो गैर कश्मीरियों को टारगेट कर उन्हें गोली मार दी थी। वहां भी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और आतंकियों की अब खैर नहीं है। हर तरफ से अटैकिंग मोड में सेना नजर आ रही है। सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर फिलहाल चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। आतंकियों के साथ में मुठभेड़ मौजूदा वक्त में चल रही है श्रीनगर और बांदीपोरा से। ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर।
श्रीनगर के खानियार इलाके में मिलिटेंट हूँ और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। हम इस समय खानियार इलाके में हैं, आपको दिखाएंगे कि खानियार एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को फिलहाल यहां पर सील किया। आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। इसी रास्ते से होकर कुछ मीटर्स की दूरी पर एनकाउंटर स्पॉट है, जहां पर सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की सूचना थी कि 2 से 3 जो मिलिटेंट है वो छुपे बैठे हैं एक रहायशी घर के अंदर, और उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और इस सर्च ऑपरेशन में जो छुपे बैठे मिलिटेंट है उन्होंने सुरक्षा बलों पर जो है गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के साथ साथ भारतीय सेना का एक स्पेशल ऑपरेशन जो है ज्वाइंट ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में 1 से 2 जो मिलिटेंट है उनकी खबर सुरक्षा एजेंसियों को थी, उसके बाद ही ये ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। और यहां आप देखेंगे सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, और एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को फिलहाल सील किया गया है। पिछले 24 घंटों के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर 3 बड़े मामले होते हैं, जिसमें खासतौर पर बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, उन पर गोलियां चलाई गई, लेकिन उनकी सेहत जो है इस वक्त ठीक है और श्रीनगर के जेबीसी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बांडीपोरा में मिलिटेंटों ने आर्मी के कैंप पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई के बाद वो वहां से भाग गए, जंगलों में छुप गए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक वहां पर भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, और यहां श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच जो एनकाउंटर है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मेहराज के साथ सोहेल, श्रीनगर। साहिल सोहेल फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए लाइव। साहिल सोहेल, क्या कुछ अपडेट है? लगातार जो एनकाउंटर है उसको लेकर जानकारी मिल रही है और आतंकियों के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसको लेकर लगातार फिलहाल ऑपरेशन जारी है। देखिए श्रीनगर के खानियार जो कि डाउनटाउन का इलाका है, यहाँ पर लगातार एनकाउंटर जारी हैं सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच। जो झड़प है सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुई थी, इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 1 से 2 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे बैठे हैं। हम लगातार एनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। फिलहाल लगातार गोलियां दोनों तरफ से चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और फिलहाल उस तमाम जो रास्ते हैं एनकाउंटर स्पॉट की तरफ उनको सील कर दिया गया है, चारों ओर से घेराबंदी की गई है। तो ऐसे में मिलिटेंटों का बच के निकलना काफी मुश्किल है। हमें ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक मिलिटेंट को गोली लगी है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए, और लगातार वहां तब से लेकर जो है अब तक गोलियां चल रही है। 3 बड़े आतंक विरोधी अभियान इस वक्त कश्मीर घाटी में चल रहे हैं। सबसे पहला जो कि खानियार डाउनटाउन का इलाका है, काफी गुंजान बस्ती का इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास ये भी जिम्मेदारी है कि जो आम नागरिक है। ठीक है साहिल सोहेल, फिलहाल लगातार ऑपरेशन जारी है और इस बीच आतंकियों को हर तरफ से घेर कर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी।